हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दुपट्टा डाई करके दिखाने वाली हूँ। टू कलर यूज़ करूँगी। कुछ व्यूवर्स ने कमेंट भी किया था कि मैम टू कलर्स बताइए, तो ठीक है। प्रोसीजर तो वही है जैसे मैंने बताया है, लाइट टू डार्क। अगर हम आप पूरे दुपट्टे में एक रंग चाहते हैं, दो कलर चाहते हैं, तीन कलर चाहते हैं, चार कलर चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमें कलर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। हमेशा लाइटर कलर पहले होते हैं और उसके बाद फिर डार्क, आप मतलब लाइट से डार्क की तरफ चलते हैं, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है टाई एंड डाई वाले जो इस तरह से वीडियोस हैं, तो ठीक है। और इसके लिए मैंने लिया है कॉटन का दुपट्टा। ये प्योर कॉटन दुपट्टा है। फैब्रिक का सिलेक्शन अच्छे से करिए जब भी आप लोग डाई कीजिए, चाहे वो प्योर कॉटन हो, कॉटन लीजिए या फिर शिफॉन लीजिए, सिल्क लीजिए। फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, जिससे कि हमारे फैब्रिक पे कलर बहुत अच्छा चढ़े। और अगर कॉटन मतलब फैब्रिक प्योर हो जाए ना, तो फिर कलर ब्लेड भी नहीं करता। ये जो प्रॉब्लम आती है ना हमेशा कि कलर निकल रहा है, कलर निकल रहा है, तो वो सिंथेटिक मिक्स होता है, दैट्स वाई वो निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको कर लेंगे टाई। ठीक है, पहले पैटर्न बना लेते हैं किस पैटर्न में हम कलर करेंगे। तो इस तरह से मैंने दुपट्टे को, ये आप देख रहे हैं, टू फोल्ड्स में कर दिया है, फोल्ड ऐसे जो नॉर्मली जनरली ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना, ऐसे इस टाइप से। ये देखिए ऐसे दो फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। फिर इसको हम टाई कर लेते हैं, फिर करेंगे। कैसे करना है डाई, कैसे करना है आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा ही होगा, बट जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं कलर की डिटेल अभी डाई करते समय बताती हूँ। तो एक ओवरऑल मैं फिर भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। हमें दुपट्टे को डाई करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, डाई फिक्सर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चाहिए। आप जिस भी फैब्रिक में कलर कर रहे हैं, कॉटन में, शिफॉन में, उस तो डाइंग कलर चाहिए। टाई डाई कलर मिलता है मार्केट में बहुत इजीली, आप उसको ले लीजिए। और सॉल्ट चाहिए, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाइट विनेगर और ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, मैं अभी डाई करते समय आपको बताऊँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको डाई करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चलिए इसको मैं डाई कर लेती हूँ। के लिए ऐसे ही इसको हम कलर में छोड़ देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
सो दोस्तों देख सकते हैं आपके दुपट्टा मैंने डाई कर लिया है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसको कुछ मिनटों के लिए डाई फिक्सर के अंदर डिप करके रखूँगी। उसके बाद इन डायरेक्ट सनलाइट में सुखा लेंगे और सुखाने के बाद ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो दोस्तों ये प्रोसीजर कितना आसान था आपने देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।